युद्ध दौर की बात है जब ऑटोमन साम्राज्य और यूरोपियन क्रूसेडर्स के बीच धर्म युद्ध चलता था। 15वीं सदी के शुरुआती सालों में दोनों एक दूसरे की सीमाओं पर हमला करते रहते, कभी कोई जीतता तो कभी कोई दूसरा जीत जाता। साल 1462 में ऑटोमन सुल्तान मोहम्मद ने अपनी एक बड़ी सेना इकट्ठा की और पूर्वी यूरोप पर धावा बोला। यूरोप की सीमा पर एक राज्य हुआ करता था तब वलेकिया नाम से। मोहम्मद की सेनाएं वलेकिया में दाखिल हुई। सुल्तान मोहम्मद, उन्होंने वहां एक नजारा देखा। 23,000 लाशें खूंटी पर टंगी हुई थी, भाले शरीर को चीरते हुए उनके सिर से निकल रहे थे और इसी हालत में उन्हें एक कतार में लटका दिया गया था। ये कतार कुल 100 किलोमीटर लंबी थी। ऑटोमन तुर्क अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे, लेकिन ये नजारा उन्होंने भी नहीं देखा था, कभी उनसे भी नहीं सहा गया। सुल्तान ने अपनी सेना का यह हश्र देखा और कहा, जो शख्स अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए इस हद तक जा सकता है उसे अपना राज्य बचाए रखने का पूरा अधिकार है। सुल्तान ने वलेकिया को जीतने का इरादा छोड़ा और वापस लौटे। जिस शख्स की क्रूरता ने ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान को विचलित कर दिया था उसका नाम था व्लाड द थर्ड, तीसरे व्लाड। हालांकि उसका एक और नाम भी था जो आपने सुना होगा, ड्रैक्यूला। ये नाम नहीं, उपाधि थी। कौन था ड्रैक्यूला, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे कहानी असली ड्रैक्यूला की। हालांकि पहले एक और कहानी आपको सुननी पड़ेगी। एक विशालकाय हवेली थी। काले कोट वाला एक वकील हवेली में घुसता है। हवेली का मालिक बूढ़ा है, उसकी स्किन इस कदर सफ़ेद है मानो उसमें से खून की आखिरी बूंद भी निचोड़ ली गई है। बूढ़े को लंदन में एक घर खरीदना है। वो वकील से कहता है कि कुछ दिन यहीं रुक जाओ, काम पूरा होने के बाद जाना। वकील तैयार भी होता है। एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी रात गुजरती है। हर रात के बाद वकील जब सुबह उठता है तो पाता है कि उसके शरीर का रंग कुछ सुर्ख होता जा रहा है। वहीं हवेली के बूढ़े मालिक की आंखों में चमक लौटने लगी है, उसकी त्वचा जवान होती जा रही है। एक महीने बाद वकील पाता है कि वो अस्पताल में है। उसके शरीर से लगभग पूरा खून निकाला जा चुका था। जिसने ये किया था वो था काउंट ड्रैक्यूला। काउंट ड्रैक्यूला 1897 में बाम स्टॉकर ने अपनी एक नॉवल से पूरी दुनिया में ड्रैक्यूला को फेमस किया। एक काल्पनिक किरदार था जो दूसरों का खून पीकर जवान रहता है, जो धूप में बाहर नहीं निकल सकता और जब चाहे एक कुत्ते का रूप ले सकता है, भेड़िया। ब्रॉम स्टोकर ने इस किरदार की प्रेरणा एक ऐतिहासिक किरदार से ली थी, वो किरदार जिसका नाम सच में ड्रैक्यूला था। बात 15वीं सदी की है। पूर्वी यूरोप में एक राजा हुआ करता था वलेकिया। 21वीं सदी में जिसे हम रोमानिया देश के नाम से जानते हैं, वलेकिया उसका हिस्सा था। यहाँ के राजा का नाम था व्लाड द सेकंड। वलेकिया का राज्य ऑटोमन साम्राज्य की सीमाओं से लगता था। यूरोप और ऑटोमन्स की लड़ाई थी जिसमें वलेकिया पिसता रहता था। वलेकिया को पार किए बिना यूरोप में दाखिल हुआ नहीं जा सकता था, इसलिए वलेकिया एक तरह से फ्रंट का काम करता था। यूरोप में उस दौर में ईसाई धर्म योद्धाओं का एक संगठन हुआ करता था, ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन। व्लाड इस संगठन का सदस्य था जिसके चलते उसे एक उपाधि मिली हुई थी, ड्रैक्यूल की उपाधि। ड्रैक्यूल जिसका मतलब होता था ड्रैगन। व्लाड ड्रैक्यूल अपने राज्य में उठ रहे विद्रोह से परेशान था। पड़ोस में एक और राज्य था हंगरी जो विद्रोही सामंतों को समर्थन देता था, इसलिए 1442 में व्लाड ने अपनी गद्दी बचाने के लिए ऑटोमन टर्की की तरफ यानी तुर्कों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। सुल्तान मोहम्मद संधि के लिए राजी हुए, लेकिन इसकी दो शर्तें थीं। एक ये कि वलेकिया को हर साल टैक्स देना पड़ेगा और व्लाड अपने दो बेटों को सुल्तान की सेवा में भेज देगा। राजा व्लाड ड्रैक्यूल के तीन बेटे थे, मिर्सिया, व्लाड द थर्ड और राडू। मिर्सिया उसका सबसे बड़ा बेटा था, उसका वारिस था, इसलिए उसने व्लाड द थर्ड और राडू को सुल्तान मोहम्मद की सेवा में भेज दिया। ये एक प्रकार की कैद ही थी जहां दोनों को तुर्की तौर तरीके अपनाने के लिए फोर्स किया जाता था। राडू अंत में इस प्रेशर के आगे झुका भी, उसने इस्लाम कबूल कर तुर्कों के अधीन रहना स्वीकार किया। लेकिन व्लाड द थर्ड इसके लिए राजी हुआ नहीं। इसकी सजा उसे मिली, उसे यातनाएं दी गई, टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी व्लाड द थर्ड झोंका नहीं। उधर उसके पिता भी मुसीबत में थे। 1447 में सामंतों ने एक बार फिर विद्रोह शुरू कर दिया और व्लाडिस्लाव नामक सामंत की लीडरशिप में व्लाड द सेकंड को सत्ता से उखाड़ फेंका। इस घटना के कुछ वक्त बाद व्लाड द थर्ड वापस वलेकि आया और तब उसे पता चला कि उसके परिवार की हत्या कर दी गई है, पूरे परिवार की। उसके पिता को मारकर उनके घर के पीछे दफना दिया गया था, जबकि उसके भाई मिर्सिया को खूब टॉर्चर करने के बाद जमीन में जिंदा गाड़ दिया गया था।
ये सब सुनकर व्लाड झन्ना उठा। उसने बदले की शपथ ली और सेना इकट्ठा कर व्लाडिस्लाव के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध के मैदान पर व्लाडिस्लाव का सिर काटकर उसने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी और वलेकिया का राजा बन गया। अपने पिता की तरह उसने ड्रैक्यूला की उपाधि अपनाई और व्लाड ड्रैक्यूला के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि उसका एक नाम और था जो पूरे यूरोप में फेमस था, व्लाड द इम्पेलर। इम्पेलर का अर्थ छेद करने वाला होता है। व्लाड का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो अपने दुश्मनों को भाले से छेद कर लटका दिया करता था। यूरोपियन इतिहास में व्लाड ड्रैक्यूला को सबसे क्रूर शासक के तौर पर जाना जाता था। उसके दुश्मन उसे शैतान की औलाद कहते थे और उसे यह नाम उसके तौर तरीकों के चलते ही मिला भी था। सत्ता पर बैठने के कुछ साल बाद व्लाड ड्रैक्यूला के खिलाफ कुछ लोगों ने विद्रोह करने की कोशिश की। अब व्लाड अपने पिता की गलती दोहराना नहीं चाहता था। उसने सभी लोगों को दावत पर बुलाया और दावत के बीच में ही अपने एक एक दुश्मन को चाकुओं से गुदवा दिया। गेम ऑफ थ्रोन्स में अगर आपने रेड वेडिंग वाला एपिसोड देखा है जिसमें स्टार्क्स को मार दिया जाता है उनकी फौज सहित, तो आप उससे तुलना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। व्लाड ने अपने दुश्मनों को सिर्फ मारा ही नहीं, उनके शरीर को भाले से छेद कर शहर भर में लटका भी दिया ताकि सबके लिए वो नजीर बने। अब व्लाड अपने दुश्मनों के लिए तो क्रूर था, लेकिन यूरोप के लोग उसे मानते थे मसीहा। खासकर पोप ने उसे हीरो की संज्ञा दी हुई थी क्योंकि उसने ऑटोमन सैनिकों के साथ ऐसी क्रूरता की थी कि वो यूरोप की सीमा में घुसने से कतराने लगे थे। एक बार उसने दो भाइयों को जिंदा उबाल दिया था और इसके बाद उनके परिवार को सूप पीने पर मजबूर किया था। दूसरे मौके पर उसने ऑटोमन सैनिकों के सिर में कीलें ठोक दी थी क्योंकि वो अपना साफा उतारने से इनकार कर रहे थे। यूरोप और ऑटोमन्स के बीच उसकी दहशत ऐसी थी कि उसके बारे में कहानियां चलने लगी जिनके अनुसार व्लाड ड्रैक्यूला अपने दुश्मनों के खून में डुबोकर ब्रेड खाता था। आगे चलकर यही मिथक ड्रैक्यूला नाम के साथ जुड़ा और ड्रैक्यूला नाम के काल्पनिक किरदार की रचना हुई। व्लाड ड्रैक्यूला ने सिर्फ 7 साल वलेकिया पर राज किया और एक आंकड़े के अनुसार उसने इस दौरान 80,000 लोगों का कत्ल किया। ड्रैक्यूला का अंत कैसे हुआ? असली वाले साल 1462 में ऑटोमन फौज ने वलेकिया पर हमला किया। व्लाड ने हंगरी से मदद मांगी, लेकिन हंगरी ऑटोमन साम्राज्य से पंगा लेना नहीं चाहता था, इसलिए हंगरी के सैनिकों ने उसे कैद किया। उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई और राज्य छीन कर उसके भाई को दे दिया गया। यूरोपियन मिथकों के अनुसार कैद में रहते हुए उसने अपने दुश्मनों को श्राप दिया था कि जिन्होंने उसके खानदान को तबाह किया उनका भी सर्वनाश हो जाए। इस श्राप को अमली जामा पहनाने का व्लाड को एक आखिरी मौका भी मिला। वो हंगरी की कैद से रिहा होने में सफल रहा, लेकिन 1 साल के अंदर ही ऑटोमन तुर्कों से लड़ते हुए उसकी मौत हो गई। ऑटोमन सैनिकों ने उसका सिर काटकर पूरे कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे इस्तांबुल भी कहा जाता है, उसमें घुमाया और फिर ले जाकर सुल्तान मोहम्मद के कदमों में रख दिया। इसके 3 सदी बाद ब्राम स्टोकर ने ड्रैक्यूला नाम से एक नॉवल लिखा जिसने ड्रैक्यूला की कहानी को दुनिया भर में फैलाया। कई फिल्में बनी, कई नाटक लिखे गए। हालांकि एक सच ये भी है कि स्ट्रोकर के ड्रैक्यूला और ऐतिहासिक ड्रैक्यूला के नाम में सिमिलैरिटी है, लेकिन ज़्यादा और समानताएं आपको मिलती नहीं सिवाय कुछ मिथकों को छोड़ के। मसलन कहानी कहती है कि जब व्लाड ड्रैक्यूला की कब्र खोदी गई, उसकी लाश या कोई भी निशान वहां से गायब थे। कहते हैं ड्रैक्यूला ने एक श्राप दिया था कि वो मरने के बाद जिंदा होकर लौटेगा और अपने दुश्मनों से बदला लेगा। स्ट्रोकर का काल्पनिक ड्रैक्यूला भी कुछ ऐसा ही करता है। वो हर सुबह अपनी कब्र में सोता है और रात होते ही जाग जाता है खून पीने के लिए। बहरहाल आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ड्रैक्यूला की ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। आपके लिए ये एपिसोड और ये बड़ी दिलचस्प जानकारी जो मेरे लिए भी नई थी, वो कमल लिख के लाए थे और कैमरे पर हमने प्रेजेंट किया और इसे रिकॉर्ड किया है जतिन ने। आप देखते रहिए दिल अलन टॉक।